स्वागत है दोस्तों आज के ब्लॉग में आपका और मेरे साथ हैं पंडित जी। दोस्तों आज कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और वो बातें अपनी है, मेरी आप बीती, जो पंडित जी गवाह हैं। इसलिए मैंने पंडित जी जा रहे थे घर, लेकिन मैंने पंडित जी का प्रार्थना करके इनको रोक लिया है। पंडित जी 2 मिनट आप बैठो मंदिर में, क्योंकि पुरोहित भी यहीं हैं, मंदिर के मालिक भी यहीं हैं, समझ लो सब इनके हाथ में होता है। जब सभी भक्त निपट जाते हैं रात के 9 बजे 10 बजे, तो ये पंडित जी ताला अपना मंदिर में लगा देते हैं 10 बजे के बाद, बाकी देख रेख पंडित जी का है। तो लेकिन ये तो कोई बात नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ पंडित जी की विधि। अब मैं अपनी बात बताता हूँ दोस्तों। एक चीज़ तो हकीकत है, क्यों पंडित जी मानना पड़ेगा कि जो इंसान सोचता है वो नहीं होता, जो भोले बाबा सोचते हैं वही होता है। आप इच्छा सर्वनाश की दैव इच्छा प्रबला, अपना इच्छा हर और नाश की तरफ ले जाता है, और जो देवलोक की इच्छा है वही बहुत बलवान है, वही होता है, वही होता है। और दोस्तों ये हकीकत बात है, मैंने अपनी इच्छा अनुसार कई ऐसी चीजें की और कई ऐसी चीजें सोची कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, होता कुछ भी नहीं है। जो भोले बाबा की मर्जी होगी वही होगा। और वो कहते हैं ना पंडित जी भोले बाबा की, कि जो मैं सोचता हूँ वो सही है, फिर देख क्या होता है, तुम मत सोचो तुम कर्म करो। और ऐसा मैंने सोचा और ऐसा मैंने बिल्कुल पाया है, इसलिए मैं पंडित जी को भी अपने साथ रखा हूँ कि ये सही है बात। क्योंकि मैं जब भी ज़्यादा परेशान होता हूँ, दुखी होता हूँ, तो शाम का टाइम है, जो मैं शाम को मंदिर आमतौर पर नहीं आता हूँ, लेकिन जब शाम को आता हूँ तो ये पंडित जी को भी मालूम है कि मैं कुछ ना कुछ मांगने ही आया हूँ, और मिलता भी है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान दिखा के हाथ में देंगे मिल जाएगा मुझे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कुल टोटल मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आप बीती बता रहा हूँ दोस्तों। और जब से मैंने ये सोचा है कि मैं भगवान के सोचे पर ही चलूँगा, तब से मैं सुखी हूँ। कितना नुकसान हुआ है या हो रहा है उससे मतलब नहीं रखना है। वो कहते हैं कि जब करता मैं हूं तो दूंगा भी मैं ही, और मेरे साथ यही हुआ है। मैंने अपने दिमाग बहुत लगा लिया, बहुत सोच लिया, पर कुछ नहीं कर पाया। पंडित जी गवाह है कि मैं यहां शाम को आके मांगता था, भगवान मुझे दे दो, भगवान मुझे दे दो, मतलब संपत्ति नहीं, जो भी दुखी मन से होता है वो कुछ ना कुछ मांगता है, और मैं मांगता था और मिलता भी था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जो आप मांगोगे और जब वो भगवान दे देंगे ना, तो सुख उसमें नहीं है, वो अपने आप जो देते हैं ना उसमें सुख है। आप एक बार उनसे कहकर तो देखो, ये मत बोलो ना कि मुझे ये चीज़ दे दो, बोलो भगवान जो लिखा है मेरे जीवन में वो दे देना, और अच्छा ही देंगे। दोस्तों मैं आप बीती बता रहा हूँ, और ये नहीं कि मैं आप संत बन जाओ मैं संत बन जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना कर्म करो, कर्म ही प्रधान है और समय ही बलवान है। बस मैंने कई बार ही सोचा, कुछ भी सोचा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसी मोबाइल में वृंदावन बोलते पंडित जी बहुत महान गुरु हैं वो, जो आप भी रोज देखते होंगे, बल्कि उनको आज बेशक से वीडियो बड़ा बन जाए, आज कुछ मन की बातें जरूर करूंगा जो मेरी आप बीती है, जो कि मेरी सारी स्थिति पंडित जी भी जानते हैं। गुरु जी ने ये बोला था, और कई महीने हो गए, मैं कई महीने से यही सोचकर चलता हूँ कि मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, गुरु बिना ज्ञान अधूरा है, और गुरु ही गोविंद से मिलवाता है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो गुरु जी ने क्या कहा था, गुरु जी ने कहा यही था कि कोई कितना ही बलवान बन जाए, मरने के बाद वो एक सुई भी ले जाकर दिखा दे, ले जा सकता पंडित जी सुई? तो जब सुई नहीं ले जा सकते तो हम हैं क्या, कुछ भी नहीं है। तो फिर परमात्मा ही तो सब कुछ है ना, ना हमारी सांसें अपनी, ना हमारा शरीर अपना, कुछ भी नहीं अपना दोस्तों। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप संत ही बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, आपका कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है, लेकिन आप मत सोचो, भगवान को सोचने दो। और मैंने जब से रियलाइज़ किया इस बात को, माना है, मैंने जब से भगवान को बोला ना, भगवान आप ही सोचो जो सोच रहा, और मैं मंदिर में बोल रहा हूँ, इधर उधर नहीं,
भगवान आप ही सोचो, जो करना है आपको करना है और अच्छा कर रहे हैं। दुखी बहुत हूं मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कारण भी हम ही हैं, दुख के कारण भी हम ही हैं। दुखी होने जैसी कोई बात नहीं है, आप भी एक बार ऐसा करके देखो। इसको कहते हैं दोस्तों मन की बात। मैंने अपनी मन की बात आपके सामने रखी है, हो सकता है आपको लगे मेरी बात बुरी या बकवास लगे, लेकिन बकवास बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, कभी नहीं बनाता हूँ, कुछ है ही नहीं फेक वीडियो बनाने जैसा मेरे अंदर। जो भी कुछ होता है बिल्कुल सच्चाई होता है, नेचुरल होता है। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं मेरे, और सभी मेरा वीडियो देखते होंगे। दोस्तों ये सिर्फ एक बात है, अपने मन की बात आप बीती। जो भगवान से, भगवान के प्रति मेरा लगाव है, मैं कोई सच्ची श्रद्धा से पूजा नहीं करता, लेकिन रोज जल चढ़ाता हूँ और जो होती है मन में बोल भी देता हूँ। बोलना किसको, भगवान को तो बोलना है, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक, पूरे जग के मालिक वही है, उसको बोलो। पंडित जी को बोल के क्या मिलेगा या किसी और को बोल के क्या मिलेगा, लेकिन इनको बोलना पड़ेगा। यहाँ मैं गलत हूँ कि इनको बोल के क्या मिलेगा, बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि पंडित या पुरोहित गुरु होते हैं, रास्ता वही आपको बताते हैं, गोविंद से मिलाने वाले गुरु होते हैं। अब ये कुछ लोग पूजा कर रहे हैं जो मेरे पीछे हंस भी रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो हंसने दो, मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ। देखिए दोस्तों मंदिर में है, बिल्कुल हम मंदिर में ही बैठा हूँ। तो दोस्तों ये मेरे अपने मन की बात थी और मेरे मन की बात पूरी हो गई आपको बता के कि मैं यहाँ शाम को जब भी आया हूँ तो कुछ भगवान से मांगने के लिए आया हूँ और मिला भी है। एक बार आप भी ऐसा करके देखिए दोस्तों, दो बस इतनी सी बात है, एक बार करके देखिए आप। जैसे आप बोलेंगे भगवान अब सब कुछ तुम्हें करना है, सब ठीक होता जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, अब जा रहा हूँ बाजार। अगर मैं बाजार तक गया तो वहाँ का भी आपको थोड़ा बहुत मैं दिखाऊंगा। दोस्तों देखिए पंडित जी को हमारे शाम को पूरा व्यवस्था ठीक करके ही जाते हैं यहाँ से। अभी पूजा पाठ हुआ है, अब यहाँ जो भी सामान इधर उधर होगा उसको पंडित जी सारा सामान संभाल के अपनी अपनी जगह पर रखेंगे, चाहे वो कोई भी किया हो, ये पंडित जी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। देखिए देख रहे हैं, भोला बाबा को ठंडा लग रहा है, पंडित जी भी हर हर महादेव देख रहे हैं जी, हर हर महादेव। और दोस्तों रात भी हो गई है लेकिन देखो भक्त लोग आते ही रहते हैं, और ये डेली वाले भक्त हैं। हाँ ये डेली के भक्त हैं, अभी बहुत भीड़ भाड़ थी मंदिर में लेकिन अभी खाली है। देखिए पंडित जी देख रहे हो, ठंडा ठंडा, आप कह रहे हो ठंडा लग रहा है, भोले बाबा को देख रहे हो। हाँ ये है महादेव बाबा जैसा कोई देव नहीं है ना, कोई बुराई नहीं, मन जब मर्जी चढ़ा दो जल है। इतने से जिंदगी काट लो, दोस्तों पंडित जी से मैं बात करता करता छोड़ के देखो डॉक्टर साहब के पास आए, दवाई लेने, ये देखो इमरजेंसी पड़ गया इसलिए मैं दवाई लेने के लिए आया हूँ। तो आप ऐसा मत सोचना कि पंडित से मैंने बात अपनी अधूरी छोड़ दी है। देखिए चलिए और आइए, आगे और भी चलते हैं अभी हम।
हो गया मेरा। देखो दोस्तों, अब मैं आया हूँ बाहर यहाँ सड़क पे, दवाई लेके सीधा। ये कुछ हमारी कॉलोनी के बाहर का हूँ, अभी बाहर आया हूँ कुछ सामान लेने, बच्चों के लिए चाउमीन लेने आया हूँ। देखो ये चाउमीन लेने आया हूँ मैं। कौन सा लोगे आप? ये वाला लो, खाली सा। भाई 10 रुपए का दे दो, चलो खाने पे पैक करना है। देखो दोस्तों, यहाँ छोटे से रास्ते में भी कितनी ट्रैफिक होती है, देखिए। अब मुझे जाना है उस पार, देखो यहाँ जाम लग गया। कहाँ कहाँ से गाड़ियाँ आ रही है देखो, क्योंकि इधर रास्ता बन रहा है अभी, ये बैरिकेडिंग लगा हुआ है। Thank you.